भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक रविवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा संपन्न हुई। इस बैठक में हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। जब से जगत प्रकाश नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, ये पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, इसको लेकर चुनावी रणनीति तय की गई। बैठक में उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि कोविड के समय भी भाजपा ने जनसेवा के आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि इन उपचुनाव में सभी कमियों को पूरा करते हुए 2022 के चुनाव के लिए भाजपा तैयार है और हम आने वाले लक्ष्य पर अटल है। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अन्य नेता जुड़े। वहीं इस अवसर पर बैठक में शिरकत करने आए पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आने वाले 5 राज्यों के चुनाव को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से हिमाचल प्रदेश के 4 उपचुनाव में भाजपा की हुई हार के कारणों के बारे में पूछने पर धूमल ने कहा कि 20 नवम्बर से पहले प्रदेश हार के कारणों को लेकर समीक्षा बैठक करेगा, जिसमें हार के कारणों पर चिंतन तथा मंथन किया जाएगा और 2022 में मिशन रिपीट को लेकर रणनीति भी स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। हिस्सा लेने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2022 के लिए भाजपा का लक्ष्य बिल्कुल सीधा है। भाजपा में आज से ही इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक कार्य शुरू कर दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि निश्चित तौर पर हार जीत का सिलसिला चलता रहता है। जहां कभी कांग्रेस जीती है तो कभी कांग्रेस की भी हार होती है और ये दौर भी बहुत जल्द समाप्त होगा और भाजपा 2022 में मिशन रिपीट की ओर निश्चित तौर पर अग्रसर होगी। देखिए, लक्ष्य सीधा है, बड़ा स्पष्ट है। 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पार्टी पूरी तरह से आज से ही काम में जुट गई है और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ये दौर जो इसका जिक्र बहुत हो रहा है आजकल, ये बहुत लंबा दौर नहीं रहता है। हम भी जीते और हम भी हारे, वो भी जीते वो भी हारे, तो ऐसी परिस्थितियों में आने वाला समय का दौर आएगा, निश्चित रूप से आएगा, भाई हम सुधार करेंगे। मंत्रिमंडल में रीशफल संभव है सर? देखिए, ये सारी चर्चा करेंगे उसके बाद निर्णय करेंगे। ठीक, थैंक यू। एक मिनट में जरा बात करें। समिति की बैठक थी, उसमें चर्चा राष्ट्रीय मुद्दों की हुई है। जो 5 स्टेटों के चुनाव आगे होंगे उनके बारे में चर्चा हुई और प्रधानमंत्री के विदेशी टूर की राष्ट्रीय स्तर की हुई। हिमाचल में कोई नाम नहीं था। सर, बहुत सारी बातें चुनाव के बाद हुई हैं, 4 सीटों पे हार भी हुई है, उसको लेके बड़ी सारी बातें हिमाचल प्रदेश में कही जा रही है। आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त के लिए पार्टी को सुधार करने की किन किन क्षेत्रों में जरूरत है? क्या पार्टी संगठन सरकार मिलकर इन चीज़ों को करने में सक्षम हो पाएगी आने वाले वक्त के लिए? 22 नवम्बर से पहले पार्टी की मीटिंग प्रदेश की होगी, तो उससे पहले एक मंथन चिंतन समीक्षा ये करेंगे, जो उसमें निर्णय होंगे आपको ब्रीफ करेंगे। सर, एक बात और भी देखने को मिली है, आप कम प्रचार में आए हैं सर, क्या मतलब नजर रही है? मेरे कज़न की डेथ हुई थी, उनकी क्रिया 28 तारीख को हुई। क्या आप सर आने वाले वक्त के लिए आप मतलब उम्मीद ज़्यादा है कि एक बार दोबारा वापसी करेगी और कारण ढूंढने के लिए ही मीटिंग अगली हो रही है, उसके बाद आपको बता देंगे। देखिए, जहाँ तक उपचुनाव की बात है, मैं ये कहना चाहूँगा कि चारों नतीजे जो हैं हमारे पक्ष में नहीं रहे, लेकिन इतना अवश्य है कि भारतीय जनता पार्टी आत्मविवेचन करेगी, जहाँ जो भी कमियाँ रही हैं
उन कमियों को हम दूर करेंगे। निश्चित रूप से कोई कमी रही है जिसकी वजह से अपेक्षित हमें नतीजे नहीं मिले। हम बैठकर सभी विषयों के ऊपर चर्चा करते हुए और आने वाले समय में हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकें, क्योंकि 2022 हमारे समक्ष खड़ा है और हम फिर से भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में विराजमान करना चाहते हैं। सारी कमियों को दूर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और अपने निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को भी हम हासिल करेंगे। कोई विशेष दिशानिर्देश प्राप्त हुए हैं राज्य और प्रदेश अध्यक्षों? देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक थी जिसमें कि हिमाचल प्रदेश से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी जो दिल्ली से जुड़े थे, इसके अलावा हमारे प्रदेश के प्रभारी और सह प्रभारी जी श्री अविनाश राय खन्ना जी और श्री संजय टंडन जी चंडीगढ़ से आज की बैठक में जुड़े थे, और माननीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी, इसके अलावा हमारे प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और प्रदेश महामंत्री संगठन श्री पवन राणा जी और मैं स्वयं, हम प्रदेश कार्यालय से जुड़े थे और माननीय शांता कुमार जी आज की बैठक में नहीं जुड़ पाए। बाकी आज की बैठक में जिस प्रकार से केंद्र सरकार, जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में पहली कार्य समिति की बैठक आज पूर्ण हुई, जिसमें सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी हमारे केंद्रीय मंत्री जो कि राष्ट्रीय कार्य समिति में हैं, इसके अलावा हमारे सभी मोर्चों के अध्यक्ष तथा कार्य समिति के सभी मेंबर इसकी बैठक में जुड़े थे। बहुत सारे विषयों के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा की गई और मुख्यतः जिस प्रकार से हमारी केंद्र की सरकार ने 7.5 वर्ष से अधिक का जो कार्यकाल हुआ और जो जनहित के फैसले लिए गए, उस दृष्टि से एक राजनीतिक प्रस्ताव, और मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि 108 करोड़ लोगों का जो वैक्सीनेशन का लक्ष्य हमारे देश ने प्राप्त किया है, और कोविड के समय में जिस प्रकार से 80 करोड़ लोगों को पिछले मार्च से लेकर और अभी तक और छठ पूजा, दीपावली और छठ पूजा तक 5 किलो अनाज और एक दाल देने का काम हमारे केंद्र की सरकार ने किया है, सभी लोगों ने उसकी प्रशंसा भी की है। इसके साथ साथ जो आगामी हमारे 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, उसमें चाहे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हमारा मणिपुर है, गोवा है या पंजाब राज्य है, उन चुनाव में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सके और फिर से हम इन राज्यों में अपनी सरकार बनाएं, उस दृष्टि से भी चर्चा उसके ऊपर की गई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संबोधन हमको मिला, बैठक का प्रारंभ उनके संबोधन से हुआ और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक का समापन किया। कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी बैठक, एक कोविड के समय में कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए सेमी वर्चुअल माध्यम से आज की गई, और निश्चित रूप से आज की बैठक से जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन उद्बोधन हमको मिला, सभी जो हमारे कार्य समिति के मेंबर्स थे, एक नई ऊर्जा का संचार सभी लोगों में हुआ है। क्या सर, हाई कोर्ट रिजल्ट्स हैं, इस पर कोई डायरेक्शन या कोई चर्चा विशेषकर हिमाचल प्रदेश? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय कार्य समिति में क्योंकि हमारी एक रूटीन बैठक ये होती है, लंबे समय से कोविड के कारण हमारी बैठक नहीं हो पाई थी, लेकिन बहुत सारे मुद्दे जो कि जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उद्बोधन से प्रारंभ होकर 5 राज्यों के जो उपचुनाव हो रहे हैं और राजनीतिक प्रस्ताव, और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन हमको मिला, और कुल मिलाकर किस प्रकार से पार्टी को सशक्त करना, किस प्रकार से पार्टी को मजबूत करना है ताकि आने वाली चुनौतियों का हम मजबूती के साथ सामना कर सके, उस दृष्टि से हमारी बैठक रही। नहीं, हिमाचल के उपचुनाव को लेकर किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई, क्योंकि ये बैठक पूरे देश भर के सभी राज्य जो है वहाँ के हमारे जो वहाँ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो मेंबर्स हैं और जो भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लोग जुड़े थे, और वहाँ पर भी जिस प्रकार से भाजपा को और मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है या किस प्रकार से भाजपा को और ज़्यादा सशक्त कर सकते हैं, उस दृष्टि से माननीय हमारे जितना भी राष्ट्रीय नेतृत्व है उनका मार्गदर्शन हमको मिला।